अस्सलाम वालेकुम साथियों, सूजी के हलवे की एक रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ईद की आमद आमद है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये फीजियन इंडियन रेसिपी है जो कि आम तौर पर उनके यहाँ तैयार की जाती है। इसके लिए हमने ये मिक्स फ्रूट लिया है जो कि बिल्कुल बेसिक है। इसमें चेरीज हैं, सिट्रस है और ग्रेप्स हैं। तो ये फैंसी वाला नहीं लेना है, फैंसी वालों में और चीज़ें शामिल होती हैं जो कि इसका जायका ख़राब कर देती हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ें हों जो मिक्स फ्रूट आप ख़रीदें उसमें। सेमोलिना ली है 1 कप फाइन वाली, जमा हुआ बटर जो है वो 1/2 कप हो। फ्रेश क्रीम ली है या डबल क्रीम ले लें, कंडेंस्ड मिल्क का 1 कैन लिया है मीठे दूध का, और 1 पैक जो है वो हमने फुल क्रीम मिल्क का ले लेना है। 1 टेबलस्पून हमने डाइस्ड कोकोनट लिया है, नारियल 5 हमने ग्रीन कार्डमम ली है, और 1/3 हमने जायफल लिया है यानी कि नटमेग। अब हमने जायफल और ग्रीन कार्डमम्स को पीस लेना है। एक कटोरी में निकाल लिया और इसको फिर एक मोटी सी छलनी से छान लिया। कढ़ाही ले लें कोई भी, उसमें ये बटर डाल लें, और ये बटर पूरी तरह से पिघलाना नहीं है, इसी वक्त ही इसमें सेमोलिना ऐड कर देनी है। 1 पिंच सॉल्ट डाला और इसको हमने इस तरह पर करना है कि ये बिल्कुल चाय की तरह का दिखाई देने लगे। जब इसका रंग इस तौर पर दिखाई देने लगे और इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें नटमेग और इलायची जो हमने पीसी थी वो डाल दी। उसके बाद हमने जो क्रीम और मिल्क था वो डाल दिया, और हिलाते हिलाते ही हमने जो कंडेंस्ड मिल्क है मीठा दूध वो भी इसमें ऐड कर देना है। मिक्स फ्रूट जो लिए थे 1/2 कप हमने वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। नारियल डाल देना है और इसको अब हमने अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए हमारा सूजी का हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इतना लजीज हलवा हमने ज़िंदगी में पहले कभी ना खाया था। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि आपका ये बहुत अच्छा तैयार हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।